नमक शमक डाल देते हैं। सो गाइस, आपने ये फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा और आपको रिकॉल भी कर पा रहे होंगे कि ये किसका है। जी हाँ, यू आर राइट। सो ये डायलॉग है शेफ हरपाल सिंह सोखी का। सो आज हम आए हैं उनकी न्यूली ओपन रेस्टोरेंट कारीगिरी में, जो कि अभी खुला है देहरादून में। सो मैं ट्राई करूंगी इनकी बहुत सारी चीजें। सो वीडियो मेरी पूरी देखना। आई एम गोइंग टू ट्राई ऑल देयर स्टार्टर्स एंड देयर मेन कोर्सेस अलोंग विद सम ऑफ देयर फेमस मॉकटेल्स। सो गाइज, स्टे ट्यून फॉर माई वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं आ गई हूँ कारीगरी के अंदर। सो मैंने यहाँ का मेन्यू देखा और अभी मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। सो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ का मेन्यू मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा। मतलब लग रहा है कि किसी प्रोफेशनल शेफ के थ्रू ही एग्जीक्यूटेड है मेन्यू, और जैसे हम नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में जाते हैं उस मेन्यू से काफ़ी डिफरेंट है ये मेन्यू, टू बी ऑनेस्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने एक मोहितो मंगवाया जिसका नाम है बेला चमेली शरबत। सो जब मैंने ये डिस्क्रिप्शन पूछा उनसे, तब उन्होंने बताया कि कोई चुन्नी लाल जी हैं जो राजस्थान में बहुत फेमस हैं, और उनके थ्रू ये वर्ड फेमस हुआ है, जो है बेला चमेली शरबत। सो आप देख सकते हैं द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द मेन्यू, जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा यहाँ पर एज कम्पेयर टू अदर रेस्टोरेंट्स। द सेकेंड थिंग आई ऑर्डर्ड इज सफ़ेद गुलाब मोहितो। सो ये भी काफ़ी डिफरेंट है, और इसका डिस्क्रिप्शन है पेशे खिदमत है सभी रानियों के लिए। तो मेरा ये मोटिव आपको ये बताने का सिर्फ इतना है कि इनका थॉट प्रोसेस इनके मेन्यू में काफ़ी डिफरेंट है। सो गाइज, हमारा फर्स्ट स्टार्टर आ गया है जिसका नाम है पाव भाजी फोंड्यू। सो एज यू कैन सी, इन्होंने पाव भाजी को काफ़ी डिफरेंट स्टाइल में इनोवेट करके प्रेजेंट किया है, विच आई रियली लाइक इट। एंड लेट्स सी इसका टेस्ट कैसा है। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, दिस इज अ वन बाइटर पाव भाजी। जी हाँ, सो लेट्स कम एंड डिग इन। गाइस, प्रेजेंटेशन की बात हो गई, अब टेस्ट की बात कर लेते हैं। सो द भाजी इज just amazing, it is so cheesy, so flavorful, and the pav is so soft. So meri taraf se this is 5/5. So guys, ye hai bela chameli sharbat, aur if you see the presentation, this is so beautiful. Kitni pyari presentation hai, just look at the jar jisme inhone ye present kiya hai. And iske baad humne mangwaya hai aam panna mojito. So this is the aam panna mojito. So just look at the presentation and the thought process behind it. Guys, ये है सफ़ेद गुलाब मोहितो, and just look at this. इसके ऊपर इतने सारे rose petals हैं. So guys, सबसे पहले हम बात करते हैं सफ़ेद गुलाब मोहितो की. So just look at the presentation. ये कितना प्यारा है, और इसके ऊपर ना छोटे छोटे rose petals भी हैं, and उसके नीचे थोड़े से lime slices हैं और mint है. So let's taste this. ये कैसा है? गाइज, जो फर्स्ट किक मुझे आई वो मुझे नॉर्मल मोहितो की आई थी, बट जो सेकंड किक आई है ना, वो आई है रोज पेटल्स की. सो फ्रेश रोज पेटल्स की इसमें मुझे किक आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग. ऐसा मैंने पहले कोई मोहितो नहीं ट्राई किया है. दिस इज 5/5 फ्रॉम माई साइड. सो गाइज, अब मैं ट्राई करने जा रही हूँ बेला चमेली शरबत. So just look at this. This is so cute. कितना प्यारा प्रेजेंटेशन है इसका. सो इसमें भी इन्होंने एक छोटा सा फ्लावर दिया है, और आई थिंक वो चमेली का ही होगा, आई एम नॉट श्योर. सो लेट्स टेस्ट दिस. गाइज, आई डोंट नो इन्होंने इसमें क्या डाला है, बट अगर आपने चमेली की फ्रेग्रेंस ऑलरेडी स्मेल की हुई है ना,
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चमेली के फ्लावर्स को टेस्ट कर पा रही हूँ. आई डोंट, मुझे लगता है इसमें चमेली के फ्लावर्स तो ऑफकोर्स नहीं होंगे, बट जो चमेली की फ्रेग्रेंस होती है ना, सेम वो मैं एक एडिबल फॉर्म में टेस्ट कर पा रही हूँ. दिस इज हाउ द डिस्क्रिप्शन गोज. मुझे नहीं लगता मैं इससे बेटर इस चीज़ को डिस्क्राइब कर पाऊंगी. दिस इज सो अमेजिंग. सो गाइज, द थर्ड मोइटो नाउ दैट आई एम गोइंग टू ट्राई इज आम पन्ना मोइटो. सो लेट्स सी, इसके ऊपर इन्होंने एक रॉ आम पन्ना आम रखा है. ये आई थिंक नॉर्मल आम पन्ना मोइटो है. मुझे इसमें कुछ डिफरेंट नहीं लगा, जैसे बाकी के दो मोइतोज में डिफरेंट लगा था. एंड आई थिंक इट इज़ वेल एक्सपेक्टेड, क्योंकि आम पन्ना मोइतो हम लोगों को पता है हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट जो दो मोइतोज थे उसमें मुझे नहीं पता था व्हाट टू एक्सपेक्ट. सो एज पर माई एक्सपेक्टेशन वो काफ़ी ज़्यादा हाई निकले. एंड दिस इज मीट एक्सपेक्टेशन आई गेस. सो ये तो नॉर्मल मोइतो की तरह है. मैं ये नहीं बोलूँगी टेस्ट बुरा है, बट अच्छा है, बट नॉर्मल आम पन्ना मोइतो की तरह है. बट बाकी के दो मोइतो गाइस, अगर आपको कुछ डिफरेंट ट्राई करना है ना, आपको ये दो मोइतो जरूर ट्राई करना है यहाँ पर आकर. सो गाइज, अब मैं ट्राई करने जा रही हूँ अपना सेकेंड स्टार्टर, जिसका नाम है पनीर मार्गरिटा टिक्का. सो इसका डिस्क्रिप्शन था कि दिस इज स्टफ विद मोज़रेला चीज़. सो लेट्स सी, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा पीस है इसमें पनीर टिक्के का. गाइज, इसमें आए हैं 5 pieces एंड ऑल्दो क्वान्टिटी इज़ लेस, बट काफ़ी बड़े बड़े पीसेज हैं, तो आई थिंक इट्स जस्टिफाइड. सो लेट्स सी, इसको पहले कट करके देखते हैं. सो येस, दिस इज फिल्ड विद चीज़ एज यू कैन सी. मैं आपको क्लोज ला के दिखाती हूँ. सो इसके अंदर चीज़ की स्टफिंग है. एंड लेट्स सी. सो गाइज, रेस्टोरेंट में ना म्यूज़िक स्टार्ट हो गया था, इसलिए मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ आगे का पार्ट. सो अगर मैं टेस्ट की बात करूँ पनीर टिक्का की, तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये मुझे बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं लगा. एंड आप मेरा एक्सप्रेशन देख सकते हैं, मुझे ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगा, एकदम ब्लैंड ब्लैंड सा लगा. एंड चीज़ का थोड़ा बहुत फ्लेवर आ रहा था, पीसेस काफ़ी बड़े थे, सो दैट वाज अ गुड पार्ट. बट ओवरऑल टेस्ट में मुझे ये इतना टेस्टी नहीं लगा. आई मीन, मैंने और भी बहुत अच्छा अच्छा पनीर टिक्का खाया हुआ है. सो इफ़ यू आर गोइंग देयर, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं. ये मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी लगा और इसमें से 5 pieces भी आए थे. सो इसको मैं रेट करूँगी 3 out of 5. ये पनीर टिक्का खा के मुझे इतना ड्राई फील हो रहा था. सो एज यू कैन सी, मैं यहाँ पर अपनी मॉकटेल पी रही हूँ. सो मॉकटेल्स में मुझे कोई शिकायत नहीं है, आप मॉकटेल ज़रूर यहाँ की ट्राई करना. दिस वाज द बेस्ट पार्ट सो फार, एंड ये प्राइस पे भी जस्टिफाइड है. सो एज़ यू कैन सी, ये बेला चमेली शरबत है. सो दिस इज़ ऑफ 325 rupees. एंड बाकी की दो मोइतोज में से एक 325 की है एंड वन इज़ ऑफ 295. सो गाइज, इसके बाद हमने एक और चीज़ मंगवाई फ्रॉम द स्टार्टर्स, जिसका नाम है तंदूरी भरवा पिज्ज़ा पटेटोज. सो इसका प्राइस भी था ₹475. एंड एज़ यू कैन सी, इसमें से 4 pieces आए थे. सो बट मेरी इसमें काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि मुझे खुद वहाँ के वेटर्स ने रिकमेंड किया था ये ट्राई करने के लिए. सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अलॉट फ्रॉम दिस. एंड मुझे लग रहा था आलू की जो आउटर लेयर होगी वो काफ़ी अच्छी होगी और ग्रिल्ड होगी, क्योंकि इसका नाम ही तंदूरी पटेटोज़ था. सो इसके अंदर उन्होंने मेंशन किया था कि पिज़्ज़ा की स्टफिंग होगी. सो हाँ, फिलिंग तो काफ़ी अच्छी थी, जो हम पिज़्ज़ा टॉपिंग्स में ऐड करते हैं, लाइक कैप्सिकम, चीज़, टमेटो, अनियन, वो सब इसके अंदर था. बट गाइज, अगर मैं टेस्ट की बात करूँ, सो आई वॉज हाईली डिसअपॉइंटेड. मुझे ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगा. मे बी इट कुड बी बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम दिस. बट हाँ, आप देख सकते हैं इसमें चीज़ बहुत सारी थी. सो अगर टेस्ट की बात करें तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था. इट वॉज सो ब्लैंड गाइज, और मेरा तो एकदम मूड ऑफ हो गया था इसको टेस्ट करने के बाद. आपको मेरे एक्सप्रेशन से पता चल रहा होगा. सो आप डेफिनेटली इसको भी स्किप कर सकते हैं, आपके 475 rupees वेस्ट होने से मैं बचा रही हूँ गाइज.
सो नेक्स्ट हमने ऑर्डर किया था मेन कोर्स में से, और जब तक हमारा मेन कोर्स आता है हमें कुछ कॉन्डिमेंट्स मिले जो कॉम्प्लीमेंट्री थे. सो उनमें से एक था ये पपाया का कुछ तो था, एंड दिस वाज लिटिल स्वीट. इट वाज काइंड ऑफ अ पपाया पिकल, एंड ये तो इतना टेस्टी था. सो मेन कोर्स की बात करें तो हमने मंगवाया था पनीर हाईवे मसाला और दाल मखनी अलॉन्ग विथ सम इंडियन ब्रेड्स. सो पनीर हमें पड़ा 475 रुपीज़ का, एंड आई थिंक दाल भी अराउंड इतने की ही थी. सो गाइज मुझे तो खाना भी बहुत एवरेज लगा यहाँ का, एंड आई वुड गिव इट अ 2.5 out of 5. फिर मेन कोर्स से डिसअपॉइंट होके हमने सोचा यहाँ का डिज़र्ट भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, जब इतना कुछ ट्राई कर लिया तो. सो हमने मंगवाया था टुकड़ा ए जाम. सो इसमें था शाही टुकड़ा, गुलाब जामुन अलॉन्ग विथ पिस्ताशियो रबड़ी. सो इसमें क्या क्या था कि बीच में शाही टुकड़ा था, उसके ऊपर रबड़ी थी एंड पिस्ताशियो थे, एंड साइड में भी एज यू कैन सी पिस्ताशियो रबड़ी है, और उसके ऊपर मिनी मिनी गुलाब जामुन थे. सो गाइस टेस्ट वाइज तो ये मुझे अच्छा लगा, बट द वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस वॉज ये बहुत सॉगी हो गया था. तो इसमें भी मैं यही बोल रही हूँ कि ये बहुत सॉगी हो गया है, और टेस्ट वाइज तो ये अच्छा था बट शाही टुकड़ा बहुत सॉगी हो गया था, तो इसकी वजह से आई वुड गिव इट अ 3 out of 5. सो गाइज दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो देन डू नॉट फर्गेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब.